वेलकम स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल सेट जारी किया गया है और ये मॉडल सेट लगभग सभी चैप्टर का जारी किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर सिक्स तक के ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका वीडियोज मैंने बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या कि आप सर्च कीजिए मास्टर माइंड नारायण और आप वहाँ से सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं मैं आपको बता देता हूं, और अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप अकाउंट से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप वहां पर मैसेज कीजिए और मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एक पहला क्वेश्चन, ये हमारा चैप्टर, हम चैप्टर सेवन की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर सेवन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। दूसरा, एक वाहक ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं। तीसरा है कि एक सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्र का अर्थ बताइए। चौथा, रोकड़ के अलावा प्रतिफल हेतु ऋण पत्र का निर्गम से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन है कि बट्टे पर ऋण पत्र का निर्गम तथा प्रीमियम पर मुचनीय से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, पूंजी आरक्षित क्या है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अमोचनीय ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। परिवर्तनीय ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। फिर बंधक ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। ऋण पत्र के निर्गमन पर बट्टा क्या होता है। इसके बाद ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम का क्या अर्थ है। ऋण पत्र अंश से भिन्न क्यों होते हैं, कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक शीर्ष का नाम बताइए जिसके अंतर्गत कंपनी के तुलन पत्र में ऋण पत्र का बट्टे पर निर्गम को दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऋण पत्र का मोचन से क्या तात्पर्य है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि परिवर्तनीयता के आधार ऋण पत्र का मोचन से क्या तात्पर्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम से आप कैसे निपटान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ऋण पत्रों में से मोचन का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋण पत्र के मोचन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि तुलन पत्र में ऋण पत्र मोचन निधि को किस शीर्ष से प्रदर्शित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि तुलन पत्र में ऋण शोधन रिजर्व किस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब इसके बाद देखिए हमारे जो ये क्वेश्चन है, तो अब हम जो लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। विभिन्न प्रकार के ऋण पत्रों की व्याख्या कीजिए। ऋण पत्र एवं अंश के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ऋण पत्र को एक कर्ज के रूप में क्यों जाना जाता है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्र के तात्पर्य का वर्णन कीजिए। खाता पुस्तकों में ऋण पत्र के निर्गम हेतु लेखांकन व्यवहार बताएं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, खाता पुस्तकों में ऋण पत्र का बट्टे पर निर्गमन को कैसे निरूपित किया जा सकता है। आप ऋण पत्र के निर्गम पर बट्टे का कैसे निपटान करेंगे जब ऋण पत्रों का मोचन किस्तों में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋण पत्रों के मोचन को ध्यान में रखते हुए ऋण पत्र निर्गम की विभिन्न शर्तों की व्याख्या कीजिए। छठवां क्वेश्चन हमारा कि पूंजी में से और लाभ में से ऋण पत्र मोचन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऋण पत्र मोचन निधि बनाने के लिए सेबी के दिशा निर्देशों की व्याख्या कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋण पत्र के मोचन के लिए निपेक्ष निधि बनाने के लिए उठाए जाने वाले चरणों का वर्णन कीजिए। क्या कंपनी खुले बाजार से स्वयं के ऋण पत्र क्रय कर सकती है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्र की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, ऐसी परिवर्तनीयता की विधियों का वर्णन करें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जो चैप्टर सेवन से। मैं आपको अब चैप्टर एट की तरफ ले चलता हूँ, आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अब चैप्टर एट की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आ गए हैं ये हम लेसन एट की तरफ। तो इस लेसन में सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि वित्तीय विवरणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरणों की सीमाएं क्या हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के किन्हीं तीन उद्देश्यों को सूची दीजिए। चौथा क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों का निम्नलिखित के लिए महत्व बताइए, किसके किसके लिए महत्व, अंशधारक, लेनदार, सरकार और निवेशक। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक कंपनी के तुलन पत्र में निम्नलिखित मदों को आप किस प्रकार दर्शाएंगे। खुले औजार,
अंशतः प्रदत्त अंशों पर आयाचित देयता, ऋण पत्र शोधन कोष, मस्तूल शिखर तथा प्रकाशन शीर्षक, 10% ऋण पत्र, प्रस्तावित लाभांश, अंशहरण खाता, पूंजी शोधन कोष, खनन अधिकार और कार्य प्रगति पर। अब इसके बाद देखिए हम अपना जो हमारा जो लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरणों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, इसके बाद वित्तीय विवरणों के महत्व के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए, फिर वित्तीय विवरणों की सीमाओं का वर्णन कीजिए और इसके बाद चौथा लाभ हानि विवरण का प्रारूप बनाइए तथा इनकी मदों की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुलन पत्र का प्रारूप बनाइए तथा तुलन पत्र के विभिन्न अवयवों की व्याख्या कीजिए, फिर उसके बाद व्याख्या कीजिए कि एक उपक्रम के मामले में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों के लिए वित्तीय विवरण किस प्रकार उपयोगी होते हैं, और इसके बाद वित्तीय विवरण अभिलेखित तथ्यों, लेखांकन परिपाटियों तथा व्यक्तिगत निर्णयों के संयोजन को प्रतिबिंबित करते हैं चर्चा कीजिए। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आय विवरण तथा तुलन पत्र बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन सभी को जरूर पढ़िए। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन सभी को भी एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये सभी प्रश्न। तो क्या है क्वेश्चन, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों का संक्षेप में वर्णन करें, इसके अलावा वित्तीय आंकड़ों के लंबवत एवं क्षैतिज विश्लेषण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, विश्लेषण और निर्वचन का अर्थ समझाइए, वित्तीय विश्लेषण का महत्व तो बताएं, तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है और समरूप विवरण से आप क्या समझते हैं। ये सभी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन सभी को आप जरूर एक बार पढ़िए, सभी महत्वपूर्ण है। और इनके बाद देखिए थोड़ा कुछ ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो है लॉन्ग टर्म के हमारे, तो इनमें है कि वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए और वित्तीय विश्लेषण की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद तुलनात्मक विवरण का क्या महत्व है, तुलनात्मक आय विवरण का एक विशिष्ट संदर्भ देते हुए अपने उत्तर की व्याख्या करें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, वित्तीय विवरण के विश्लेषण एवं निर्वचन से आप क्या समझते हैं, उनके महत्व पर चर्चा करें, समरूप विवरणों को आप कैसे तैयार करेंगे, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये जो हमारा वीडियो था, तो ये वीडियो था लेसन हमारा 7 और लेसन 8 का, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्वेश्चन थे वो सभी हमने इसमें डिस्कस की। अब देखिए क्या है कि ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चाहिए तो ये हमारा पूरा PDF हमारे पास है, पूरा सोल्यूशन है इसका और क्वेश्चन हैं, पूरे सोल्यूशन है। तो अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमसे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट होइए और वहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आप मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा वहाँ पर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।